సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలోని కిద్మత్ బ్యాంక్ వార్షికోత్సవంలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ముస్లిం మైనార్టీల సంక్షేమానికి సీఎం కేసీఆర్ పెద్దపీఠం వేస్తున్నారన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ మంచి ఆలోచనతో ముందుకు సాగినప్పుడే సమాజంలో గొప్ప మార్పు వస్తుందన్నారు. కిద్మత్ బ్యాంక్ సేవలు రోజు రోజుకు విస్తరిస్తున్నాయని అన్నారు. ఈ బ్యాంకుకు ప్రభుత్వ పరంగా నిధులు వచ్చే విధంగా సీఎం కేసీఆర్తో మాట్లాడతానన్నారు. డబ్బులను వృధా ఖర్చు చేయకుండా సేవా కార్యక్రమాలను పెట్టాలన్నారు. గతంలో మైక్రో బ్యాంకులు నిరుపేదలకు అప్పుగా డబ్బులను ఇచ్చి వారి రక్తాన్ని తాగారన్నారు. అదే కిద్మత్ బ్యాంక్ మిత్తి లేకుండా రుణాలు ఇస్తుందన్నారు. పైసా జమా కరోన్సే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ సేవా బ్యాంక్స్ और खिदमत बैंक ने लिया आपको पूरे का पूरा वापस कर दिया. मैं समझता हूँ वहां जमा हो गए हेड ऑफिस के अंदर उसकी इतना चले जाती है. यहाँ जमा करने के बाद वो टैली करेगा कितने पैसे आए और कितने पैसे चले गए. टैली करने के बाद वो बता देगा कि हमारी टैली हो गई और टैली होने के बाद हेड ऑफिस के अंदर उसका कंप्यूटर बंद कर दिया जाए. उस वक्त तक कोई खोल नहीं सकता यहाँ पर. तो इस तरह कम से कम फ्रॉड हो और कम से कम लोगों को कोई नियत खराब हो. जाहिर है कि ताला इसलिए डाला जाता है घरों पर कि शरीफ आदमी आज किदमत बैंक बहुत अच्छी काम कर रही है. जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी लगा के गरीब लोगों का खून और पसीना निकालते थे, किस्मत बैंक आने के बाद ऐसा गरीब लोगों को सरकारी नौकरी करने वाले का गारंटी का जरूरत नहीं है या आपका गोल्ड या सिल्वर रखने का जरूरत नहीं है. सिर्फ आप भी सिग्नेचर करके पैसे लेके विदाउट इंटरेस्ट एक अच्छी सहूलत किस्मत बैंक के रूप में आज तेलंगाना में मिल रहा है. सुना हूं मैं ये अपने पुराने वेनेजुएला से शुरू होके पूरा तेलंगाना में 19 या 30 ब्रांच बन चुके हैं. आजकल कर्नाटका में भी जाके बीदर पे वहां पर भी ब्रांच खोले. तो अच्छा काम हो रहा है, पब्लिक से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मुझे बहुत खुशी है ये बैंक में पहली बैंक में ही इनॉग्रेशन कर रहा हूँ. जहीराबाद में संगारेड्डी में सदाशिव इतना अच्छा चल रहा है. आज मैनाटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 80% 90% सब्सिडी के स्कीम पे लोन्स दे रहे हैं. बच्चे पार्क में पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया तक दे रहे हैं. जो एससी और एसटी लोगों के लिए जो स्कीम्स मिलता है पढ़ाई में खेती में हर गवर्नमेंट स्कीम्स में जो सहूलत एससी एसटी को है वो पूरे सहूलत आज माइनॉरिटीज को भी दे रहे हैं. परसों में फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिव्यू करें तो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा फायदा वो डिसीजन से माइनॉरिटीज के लिए हो रहा है. 400 करोड़ से ज्यादा हो. लेकिन सीएम साहब चाहते हैं जो गरीब है हम लोगों को ये सहूलत मिलना चाहिए. माइनॉरिटीज भी जैसे एससी एसटी से वो लोग भी गरीब है, इन लोगों को भी ये फायदा मिलना बोल के सीएम साहब पूरे दुनिया में इंडिया में पहली स्टेट तेलंगाना स्टेट में ऐलान करके